नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंका वर्मा। आपको मेरा आउटफिट देख के पता चल गया होगा कि आज हम तीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी आने ही वाली है। तो ये आमतौर पे सारी महिलाएं, सारी औरतें करती हैं, इवन लड़कियां भी आजकल करती हैं। और आजकल तो ट्रेंड है कि लड़के भी करते हैं, क्योंकि सबका मानना है कि अगर हम आपके लिए व्रत करते हैं, मीन्स अपने हस्बैंड के लिए, तो वो भी हमारे लिए करे, या हम जिसको जिसकी इतनी लंबी उम्र के लिए व्रत करते हैं तो वो भी हमारी लंबी उम्र के लिए व्रत करे। तो आजकल तो ये ट्रेंड बन गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तीज का महत्व क्या है, ये क्यों मनाई जाती है, इसके नियम विधान क्या हैं, या इसे करने से क्यों, इसको हम करके क्या पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हरितालिका तीज मनाई कब जाती है। तो ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो कि 30 अगस्त को है, मीन्स मंगलवार को। तो आमतौर पर ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार साइड में बहुत ही कठोर व्रत को इसको माना जाता है, और ये यहाँ पे हर जगह मनाई जाती है। हम लोग यहाँ एक करवा चौथ भी होता है, जो कि तमाम महिलाएं करती हैं, लेकिन ये करवा चौथ से भी कठोर व्रत माना गया है, क्योंकि निर्जला व्रत होता है। इस दिन इसमें पानी भी नहीं ग्रहण करते हैं। करवा चौथ हुआ तो उसमें लोग शाम को चांद देखने के बाद, मिस रात को चांद देखने के बाद उसमें भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हरितालिका तीज में ऐसा नहीं होता है। मीन्स ये कठोर व्रतों में से एक ये भी व्रत माना जाता है, जो कि जिसे हम हरितालिका तीज कहते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये व्रत करता कौन है। तो ये अमूमन आप देखेंगे तो ये महिलाएं करती हैं, सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं, और कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं इस व्रत को, क्योंकि हमें, मतलब जब हम व्रत करते हैं किसी को सच्चे मन से पाने के लिए, या ऐसा लाइफ पार्टनर या हमसफर चाहिए जो कि आपका ख्याल रखे, या कि जैसी तस्वीर आपने बनाई हो, तो लोग यही इच्छा रख के इस व्रत को करते हैं। आमतौर पर हमारे साइड में, या मीन्स उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार, इस यहाँ पे जो होती हैं ये महिलाएं करती हैं। कुंवारी लड़कियों का भी प्रचलन कितनी जगह है कि कुंवारी लड़कियाँ इस व्रत को इसलिए करती हैं कि उनको मनचाहा लाइफ पार्टनर मिले, मीन्स इन्होंने जैसी छवि बनाई हुई है वैसा लाइफ पार्टनर मिले। और औरतें इसलिए करती हैं कि पति की लंबी उम्र हो, या वो हमेशा साथ रहे, हमेशा आपका साथ दें, तो महिलाएं इसलिए इस व्रत को करती हैं। आइए जान लेते हैं कि इस व्रत के नियम क्या होते हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई, हमारे मीन्स उत्तर प्रदेश में या पूर्वांचल में भी, या बिहार में, या हमारे देश में कोई भी व्रत किया जाता है, तो उस व्रत का पहला, मीन्स उसके एक दिन पहले का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मीन्स हम ये तो तृतीया तिथि को कर रहे हैं, मीन्स इसके लिए द्वितीया तिथि भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस दिन आदमी को, मतलब जो भी हम लोग व्रत करते हैं, महिलाओं को बाल धो के एकदम साफ सुथरा होके ही पूजा करके, और उस दिन प्याज लहसुन का खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस व्रत के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसे फॉलो करना चाहिए। एक तो इससे क्या होता है कि मन की शुद्धता ऐसी ही बढ़ जाती है, बहुत सी पॉजिटिव एनर्जियां आपके आसपास घूमने लग जाती हैं, और चेहरे पे एक गजब की खूबसूरती आने लग जाती है। तो ये व्रत के पहले दिन का नियम है। दूसरे दिन आपको, देखिए व्रत तो सबको लोग अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गर्भवती हैं, मीन्स प्रेग्नेंट लेडी हैं, या कोई आपको बीमारी है, तो आप अपने शरीर की क्षमता को देखते हुए इस व्रत को करें। मीन्स ये व्रत निर्जला है, लेकिन अगर ऐसा है तो आप सुबह उठ के, व्रत वाले दिन भी सुबह उठ के नहा धो के पूजा करने के बाद एक बार पानी ले सकती हैं। एक ही बार, मीन्स आपको लगे कि नहीं इस टाइम हम लेके शाम तक कैरी ऑन कर सकते हैं, उस टाइम पूजा पाठ करके आप पानी लीजिए, अगर आप की क्षमता नहीं है उसके लिए कर रही हूँ। और अगर आप स्वस्थ हैं, आपको लगता है कि नहीं हम बहुत अच्छे से इसे निभा सकते हैं, तो आप ऐसे निर्जला व्रत कर सकते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि एक दिन पहले शरीर में पानी की कमी ना हो, पहले से ही मीन्स खूब पानी, पर्याप्त मात्रा में पानी लें। और जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन लोग कहते हैं सरगी का भी बहुत महत्व है। सरगी मीन्स जो कि सूर्योदय से पहले, मीन्स 2 से 4 के बीच वाला जो टाइम है, उस टाइम हमें कुछ खा लेना चाहिए ताकि हम व्रत को आराम से कर सकें। तो उसमें भी लोग फलहारी, या जिनको चाय पसंद है, बिना चाय के नहीं रह सकते, वो लोग चाय या
व्रत वाली मिठाइयाँ जो आती हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, वो आप लेके व्रत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आप खाते पीते भी व्रत करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला आपकी श्रद्धा देखता है, आपकी भावना देखता है। तो इस बात का आप लोग ज़्यादा ध्यान रखें। और शाम को फिर नहा धो के सब लोग फिर से एक बार, और उसको भगवान का अपना, लोग कितने लोग तो हाथों से भगवान की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं, हम तो लेके आते हैं, लेकिन मिट्टियों से लोग गंगा माँ की मिट्टियाँ लेके आते हैं, उससे मूर्तियाँ बना के स्थापित करके केले के पत्ते से मंडप लगा के सारी पूजन सामग्री लेके फिर इस पूजा का आरंभ करते हैं। कथा सुनते हैं, महिलाएं दान देती हैं, मीन्स सौंदर्य प्रसाधन जो होता है, जो कहते हैं दान देने से पति की उम्र लंबी होती है, भाग्य में बढ़ोतरी होती है, तो महिलाएं ये सब करती हैं। अब आइए हम जानते हैं कि इनकी कथा क्या है, एक बार उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आइए कथा के बारे में भी जान लेते हैं। ये माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए व्रत किया था। उन्होंने 107 जन्म लिए थे, तो 108वें जन्म में जाके उन्हें भगवान शिव मिले थे, तभी से इस हरितालिका तीज का आयोजन होता है। इसकी कथा जानते हैं कि कथा क्या है, इसकी कथा के बारे में जान लेते हैं। इनकी कथा इस प्रकार है कि पिता के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान माँ पार्वती सह नहीं सकी और उसी यज्ञ की अग्नि में वो भस्म हो गए। लेकिन अब फिर उन्होंने अगला जन्म लिया और राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया, उनकी पुत्री वो बनी। तो जब वो बड़ी हुई तो राजा हिमाचल को उनकी शादी की चिंता होने लगी, तो वो बहुत खुश होने लगे कि मैं अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे लड़के से कर रहा हूँ ताकि वो हमेशा खुश रहे। लेकिन भगवान जो थे पहले से ही इन लोग की पूरा सब कुछ तय था कि क्या होना है, तो माँ पार्वती ने भगवान शिव को पहले ही अपना पति मान चुके, वो मान चुकी थी कि यही मेरे पति के रूप में मुझे मिलेंगे। तो उनके पिता जो हैं नारद मुनि से बात की है, सब लोग जानते होंगे नारद मुनि जी। नारद मुनि जी ने ये प्रस्ताव रखा कि भगवान विष्णु से आप इनकी शादी कर दें, उससे अच्छा वर कहीं नहीं इस संसार में, मतलब कहीं नहीं हो सकता है। तो उन्होंने ये बात जब माँ पार्वती को पता चली तो उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने तो भगवान शिव को ही अपना पति मान लिया था। उनकी सखियाँ जब ये सुनी तो उनको एक वन में लेके चली गई, तो वन में मतलब हर के लेके गई, इसीलिए इसका नाम हरितालिका तीज पड़ा है। वो वन में गई और तपस्या करने लगी, भगवान शिव की बहुत तपस्या की उन्होंने, कितने सालों तक तपस्या करते रहे। तो भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो उनसे बोले कि, जब प्रसन्न हो गया है तो उनसे बोले कि आपकी अभिलाषा क्या है आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पति के रूप में चाहिए, तो भगवान शिव ने तथास्तु कहा। उसी से फिर उनकी शादी भगवान शिव से हो गई। एक्चुअली उनकी जो फ्रेंड्स थी, सहेलियां थी, मीन्स दोस्त थी, जब उन्हें वन में लेके गई तो वो हर के लेके गई, तब से हम इस व्रत को हरितालिका तीज के नाम से जानते हैं और इसलिए ये व्रत करते हैं। इस व्रत को अमूमन कहते हैं, ये तो भगवान कि ये कथा थी जो कि हम शाम को पूजा करते हैं, उसके बाद इस कथा को सुनते हैं, उसके बाद औरतें नृत्य करती हैं, भजन करती हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा रहती है वो करते हैं, और दूसरे दिन हम पारण करते हैं। हमारे यहाँ सावा का सत्तू से इसका पारण किया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये सत्तू हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, जिसको प्रसाद के रूप में हम चढ़ाते हैं और उससे उसका पारण करते हैं। इसलिए जो भी आप भोग लगाते हैं या प्रसाद लेते हैं उससे हमें इसका पारण करना चाहिए, व्रत तोड़ना चाहिए। और एक बात बताऊँ, इसमें प्रॉफिट भी बहुत होता है। इस समय अगर आप ससुराल में हैं तो मैके से आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, आपकी सासू माँ या आपके हस्बैंड जो भी हैं आपको गिफ्ट देंगे, या आप मायके में हैं तो आपके ससुराल से गिफ्ट आए, तो ये औरतों के लिए बेनिफिट भी है। आप पता है व्रत करने से ना इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना कि आपका ग्लो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो आज मैंने ये हरितालिका तीज के बारे में बात की, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।